सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे समस्त प्रकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में। छात्रवृत्ति में कितनी सहायता राशि आपको मिलने वाली है, यदि आप छात्र हो तो आपको कितने मिलेंगे और आप छात्रा हो तो आपको कितने रुपए दिए जाएंगे। तो सभी प्रकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। यह वीडियो दोस्तों सभी छात्रों के लिए उपयोगी है, सभी पेरेंट्स के लिए उपयोगी है, साथ ही सभी टीचर्स के लिए भी उपयोगी है जो ये जानना चाहते हैं कि किस क्लास में बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। यदि आप छात्र हो तो आप जान पाओगे कि आपको कितनी स्कॉलरशिप की राशि मिलनी है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो, आपने हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएँ जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक शीघ्र पहुँच सके। तो इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सभी प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए जैसे ST पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप, SC के लिए, OBC के लिए, 6 से 8 और 9 से 10 के लिए अलग अलग वीडियो भी मैंने बना रखे हैं। जो भी आप YouTube पर स्टार साइंस सर्च करिए, उसमें स्टार साइंस चैनल ऊपर आ जाएगा, उसको आप ओपन करें, उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाएं और स्कॉलरशिप और अवार्ड से संबंधित आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सभी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही मैंने इंस्पायर अवार्ड से संबंधित भी कई प्रकार के वीडियो बनाए हैं जो भी आपको उसी सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहले प्रकार की स्कॉलरशिप है अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8। ये कक्षा 6 से 8 के लिए दी जाती है। पात्रता क्या है दोस्तों, इसमें माता पिता अभिभावक आयकर दाता न हो और 6 से 8 में उनके बच्चे पढ़ रहे हो, SC कैटेगरी के वो हो तो उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। छात्रों को 75 रुपये प्रति माह की दर से, कुल 750 रुपये, अधिकतम 10 महीने के लिए मिलती है। छात्राओं को 125 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने के लिए 1250 रुपये दिए जाते हैं। तो छात्रों को 750, छात्राओं को 1250 रुपये की राशि अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 6 से 8 में दी जाती है। दूसरी है दोस्तों अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8। ये ST के विद्यार्थियों को मिलती है जो कक्षा 6 से 8 में अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए भी पात्रता वही है, माता पिता अभिभावक आयकरदाता न हो। कितनी राशि मिलती है दोस्तों इसमें, छात्रों को 75 रुपये की दर से 750 रुपये 10 महीने के लिए, छात्राओं को 125 रुपये प्रति माह की दर से 1250 रुपये 10 माह के लिए दिए जाते हैं। ऊपर वाली दोनों कैटेगरी में सेम स्कॉलरशिप आपको मिलती है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों तीसरे प्रकार की स्कॉलरशिप के बारे में, अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10। ये SC के छात्र छात्राओं को दी जाती है कक्षा 9 से 10 में जो अध्ययन कर रहे हैं। तो यदि आप भी SC से संबंधित हो, 9वीं और 10वीं में पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये है। माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डे स्कॉलर छात्राओं को 225 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने के लिए 2250 और 750 रुपये इसमें एक मुश्त दिए जाते हैं। तो कुल मिला के छात्र एवं छात्राओं दोनों को समान राशि दी जाती है, 2250 प्लस 750 बराबर 3000 रुपये की राशि इसमें छात्र और छात्राओं को दी जाती है। और ये सभी प्रकार के छात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। दोस्तों यदि आपका जन आधार में आपका खाता लिंक नहीं है तो आप उसको लिंक कराइए, क्योंकि जन आधार से फेच होकर सीधे अकाउंट स्कॉलरशिप पोर्टल पर आता है। यदि आपका खाता उसमें जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर आपके परिवार के मुखिया के खाते में, आपकी मदर के खाते में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफ़र होती है। यदि उसका खाता वहाँ पे गलत है तो फिर आपके खाते में या आपके पास में स्कॉलरशिप नहीं आएगी। चौथे प्रकार के देखते हैं दोस्तों, अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10। ये ST के छात्र छात्राओं को मिलती है कक्षा 9 और 10 में जो अध्ययन कर रहे हैं। माता पिता और संरक्षक की आय इसमें 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डे स्कॉलर छात्र छात्राओं को इसमें 225 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने के लिए 2250 और 750 एक मुश्त यानी 3000 रुपये की राशि इसमें दी जाती है। तो 3 और 4 कैटेगरी में भी समान स्कॉलरशिप
ST SC के विद्यार्थियों को दी जाती है। इसके बाद में हम बात करें नंबर 5, सफाई से जुड़े स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। और दोस्तों ये आपको कक्षा 1 से लेकर 10 तक सभी विद्यार्थियों बालक बालिकाओं को दी जाती है जो सफाई कार्य से जुड़े होते हैं। माता पिता अभिभावक से जुड़े स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। डे स्कॉलर कक्षा 1 से 10 तक सभी बालक बालिकाओं को दी जाती है। 225 रुपये प्रतिमाह और 750 रुपये एक मुश्त यानी 3000 रुपये की राशि इसमें विद्यार्थियों को दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी, अन्य पिछड़ी जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। OBC कैटेगरी से वो संबंधित होना चाहिए और ये स्कॉलरशिप दोस्तों कक्षा 6 से 10 तक के सभी विद्यार्थियों को मिलती है। इसमें 100 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह के लिए विद्यार्थी को 1000 रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों ये स्कॉलरशिप बालक बालिकाओं को एक समान दी जाती है। इसके बाद में अगला, अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक। माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें छात्रवृत्ति की राशि बालक बालिकाओं को अलग अलग दी जाती है। 6 से 8 के बालक बालिकाओं को अलग, 9 से 10 के बालक बालिकाओं को अलग ये राशि दी जाती है। तो दोस्तों हम राशि देख लेते हैं इसकी। कक्षा 6 से 8 के छात्रों को 50 रुपये प्रतिमाह की दर से 500 और छात्राओं को इसमें 100 रुपये प्रतिमाह की दर से 1000 रुपये दिए जाते हैं। कक्षा 9 से 10 में अध्ययन करने वाले छात्रों को 60 रुपये प्रतिमाह की दर से 600 रुपये और छात्राओं को 120 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए कुल 1200 रुपये इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों के लिए छात्रवृत्ति। कक्षा 11-12 में अध्ययनरत छात्रा जिसके 10वीं में न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए, तो भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियां होनी चाहिए, 11वीं-12वीं में अध्ययनरत होने चाहिए और उनके 10वीं में 55% से अधिक अंक होने चाहिए। 100 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह के लिए कुल 1000 रुपये उनको दिए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें नवी प्री कारगिल 1/4/1999 से पूर्व युद्धों में शहीद स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति कक्षा 1 से लेकर 12 तक यानी 1 से 12 तक सभी बच्चों को दी जाती है। शहीद स्थायी विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है इसमें और 1 से 12 तक पढ़ रहा हो 180 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह के लिए 1800 रुपये इसमें दिए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें नंबर 10, पोस्ट कारगिल 1/4/1999 के पश्चात युद्धों में शहीद स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति और ये भी कक्षा 1 से 12 तक दी जाती है। शहीद स्थायी विकलांगता का प्रमाण पत्र इसमें प्रस्तुत करना होता है। छात्र छात्रा इसमें 1 से 12 तक क्लास में पढ़ने चाहिए। 180 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह के लिए कुल 1800 रुपये विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते हैं। तो ये सभी 10 प्रकार की कैटेगरी हो गई दोस्तों। इसके बाद में एक और यहाँ पे शॉर्ट में इन चीज़ों को वापस दर्शाया गया है। यहाँ पे इधर कैटेगरी लिखी हुई है 1 से लेकर 9 तक और यहाँ पे योजना का नाम है मैट्रिक 6 से 8 6 से 8 9 से 10 ये लिखा हुआ है। इधर यहाँ पे छात्रवृत्ति की राशि है बॉयज़ को कितनी है, यह डे स्कॉलर छात्र के लिए है और ये छात्रा के लिए है और ये अधिकतम 10 माह के लिए राशि है। तो ये यहाँ से आप डायरेक्ट एक बार देख सकते हैं आप किस कैटेगरी से संबंधित है तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलनी है।